सागर शहर से लगे भैंसा गांव में बगैर शादी के मुहूर्त के एक बेटी की शादी करवाई जा रही थी। कच्ची उम्र में शादी होने की वजह से वह रो रही थी। अर्बन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स सागर शहर में सबसे वाजिब दाम व बेहतरीन कंस्ट्रक्शन की गारंटी के साथ बनाएं अपने सपनों का आशियाना। इसकी सूचना रात 11 बजे विशेष किशोर पुलिस इकाई को मिली। इसके तुरंत बाद विशेष किशोर इकाई पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की टीम कैंट पुलिस के साथ गई। यहां जिसका विवाह किया जा रहा था वह लड़की सच में रो रही थी, क्योंकि उसकी जबरन शादी की जा रही थी। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही परिवार में गमी हुई थी, बावजूद इसके अगले ही दिन विवाह समारोह किया जा रहा था। टीम विवाह घर में गई तो बवाल हो गया, दोनों पक्षों ने खूब विवाद किया। विशेषकर लड़की की मां ने टीम के साथ अभद्रता की और अपशब्द कहे। करीब 3 घंटे तक समझाइश और केस का डर दिखाया गया। इसके बाद दोनों पक्ष मां ने विवाह को रोका गया, पंचनामा बनाकर स्थानीय कर्मचारियों को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। महिला किशोर पुलिस इकाई के प्रभारी ज्योति तिवारी ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग के विजय जैन और कैंट पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे थे। लड़की और लड़के की दस्तावेज मांगी तो परिजन हंगामा करने लगे। 3-4 घंटे की मेहनत के बाद जब दस्तावेज मिले तो दुल्हन की उम्र 16 साल थी, इसलिए शादी को रुकवाया गया। बारात खुरई से आई थी, उसे वापस कराया गया। ये हमें पुलिस कंट्रोल रूम से कॉल आया था कि एक कोई कॉलर कॉल लगा रहा है कि बच्ची बहुत रो रही है और उसका बाल विवाह हो रहा है, तो आप उससे बात कर लीजिए। अब हमने फ़ोन लगाया तो चूँकि वो फ़ोन तो नहीं लग रहा था, पर कंट्रोल रूम की सूचना पर जो हमें एड्रेस समझ में आया था, उस एड्रेस पर जब हमने महिला बाल विकास को कॉल किया, महिला बाल विकास की टीम को और थाना कैंट की टीम को हम जब लेकर वहाँ पहुँचे तो बारात लग रही थी। वास्तव सही थी कि शादी हो रही थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो सभी लोग एकदम से चिल्लाने लगे कि आप लोग क्यों आ गए बीच में और क्या बात है, क्या हो गया, किसने क्या शिकायत कर दी। तो हमने बोला कि यहाँ बाल विवाह की सूचना है और यहाँ किसी बालिका का बाल विवाह हो रहा है। नहीं, लड़की बालिग है। लड़की की माँ जो कि बहुत ज़्यादा क्रोध में बाहर आते हुए बोली, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो बोले हमारे जो भी हमसे होगा फिर हम गलत करेंगे तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो हमने उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप हमें मार्कशीट दिखाइए, लड़की बालिग है आपकी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप शादी करिएगा, हम सिर्फ मार्कशीट देख के चले जाएँगे। पर वो मार्कशीट देने को भी तैयार नहीं हो रही थी। पर जब थाने के लोगों ने और वहाँ के जो हमने पार्षद को बुलाया और पार्षद से हमने बोला कि भाई आप उसे बोलिए, पार्षद ने बताया कि आप निकाल दो मार्कशीट, देख लेंगे ये लोग, चले जाएंगे। पार्षद ने हमसे बुलाया कि कल एक गमी हो गई थी और आज चूँकि मजबूरी मैंने शादी करनी, शादी पहले से मंजूर मतलब तयशुदा थी इसलिए शादी हो रही है, क्योंकि कल ही उनके यहाँ कोई गमी भी हुई थी। तो हमने बोला अभी तो कोई मतलब सीज़न ही नहीं था शादी का, इसलिए हम लोग ने तैयारी में कुछ ऐसी थी नहीं हमारी जो जानकारी हो। लड़की को बुलाया गया तो लड़की से पूछा तो लड़की ने बोल दिया कि मेरी मर्जी से शादी हो रही है। दूल्हे को भी सब पूछा तो बोला हमारी पसंद की शादी है। माँ और जो घर बराती पक्ष के लोग थे दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रोधित थे और चूँकि आधे से ज़्यादा लोग उसमें ड्रिंक किए हुए थे तो गाली गलौज और लड़ने को तैयार थे। जब हमने उन्हें बताया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी करोगे तो इसके बाद आपके अपराध कायम होगा, पर दोनों पक्ष बिल्कुल ही तैयार नहीं हो रहे थे कि ये शादी रोके। तो हमको एक माँ जो थी लड़की की, उसने बोला अगर हमें लड़की ने आत्महत्या के लिए इसकी जिम्मेदारी आपकी रही और आपके नाम से हम आवेदन देंगे। मैंने कहा हम कानून के दायरे में काम कर रहे हैं और आपको जो भी शिकायत करनी आप कर सकती हैं, हम ये शादी रोकेंगे और आपको रोकना पड़ेगी। इस तरह हमने दोनों पक्षों को कम से 2 से 3 घंटे समझाया, तब कहीं जाके दोनों पक्ष माने और हमने ये बाल विवाह रोका। अर्बन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स सागर शहर में सबसे वाजिब दाम व बेहतरीन कंस्ट्रक्शन की गारंटी के साथ बनाएं अपने सपनों का आशियाना। आधुनिक भवन निर्माण कार्य, वास्तु अनुसार बिल्डिंग प्लानिंग, फ्रंट एलिवेशन एवं इंटीरियर, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, मैरिज गार्डन के निर्माण, कॉलोनी लेआउट एवं एस्टिमेट के लिए आज ही संपर्क करें। पता संजय ड्राइव रोड, ट्रैफिक पार्क के पास, सागर। मोबाइल नंबर 8269588287।